पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपर हिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते, मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना, ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया, उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया, उसने he didn't remember what his mother told him, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था, वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that।